करहल मैनपुरी। आज डीएम महेंद्र बहादुर सिंह व एसपी अजय कुमार ने करहल का निरीक्षण किया और पैदल मार्च कर जामा मस्जिद व मंदिरों का में जाकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने आम जन लोगों से कहा है शांति बनाए रखें, क्योंकि पुलिस उनके साथ है और प्रशासन उनके साथ है, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इसलिए आप लोग शांति बनाए रखें। और अगर कोई अराजक तत्व आप लोगों को भड़काता है तो उसके भड़काने में ना आए, क्योंकि इससे माहौल ख़राब होगा। आप लोग शांति बनाए रखें। इस समय खड़े हैं करहल मैनपुरी, करहल में और जामा मस्जिद के सामने। अभी नमाज जुमे की हो चुकी है। एसपी अजय कुमार का डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने यहाँ पर नगर भ्रमण करा, उन्होंने पैदल मार्च करा और सारी सुरक्षा व्यवस्था देखी। और हम कैमरामैन से कहेंगे, ये जामा मस्जिद का देख रहे हैं आप, जामा मस्जिद पूरी शांति का सहयोग है। इधर कैमरामैन से कहेंगे, इधर भी दिखाएं और देखिए शांति यहाँ पर ना रहता बोलता रोज लोगों में असमंजस का माहौल है। और हम एसपी मैनपुरी से बात करना चाहेंगे। घटनाएं हुई उसी के मद्देनज़र और मैनपुरी की जनता को उनकी सुरक्षा के लिए हमारे पुलिस प्रशासन की सभी टीमें आप देख रहे हैं यहाँ पे चाक चौबंद रूप से भ्रमण कर रही हैं। सभी लोगों से चाहे वो किसी भी धर्म में के हों, उनको आगाह किया गया है कि भाईचारा बनाए रखें और कोई अफवाहों पे ध्यान ना दें। और कोई भी इस तरह की हरकत करता नजर आ रहा है तो उसको तत्काल उनको हम मुकदमा लिख के जेल भी भेजने की कार्यवाही कर रहे हैं। कुल मिला के मुझे यही कहना है कि जब तक आप सही से रहेंगे, भाईचारे से रहेंगे, तब तक हमारा व्यवहार मित्रवत रहेगा। लेकिन अगर आप खुराफात फैलाएंगे, लोगों को लड़ाने का काम करेंगे, अफवाह फैलाएंगे, तो हम आपसे अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। मुकदमा दर्ज करके आपकी जगह जहां पे है यानी कि जेल में आपको भरने का काम करेंगे और एकदम सख्ती रहेगी, किसी को माफ़ नहीं किया जाएगा।